नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत संसद में आज की सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र की दो बैठकें शेष, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में आज आगे की चर्चा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे पारित करने का प्रस्ताव, भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान। राज्यसभा में आज भी नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, सभापति एम वेंकैया नायडू दिलाएंगे सदस्यता की शपथ। अब तक 53 सदस्य ले चुके हैं शपथ। राज्यसभा के एजेंडे में मोटर यान विधेयक और स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक। विधेयक पारित कराने पर होगा सरकार का जोर, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में चर्चा आज। लोकसभा के एजेंडे में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 21वां दिन है और अब मौजूदा सत्र के सिर्फ दो बैठकें बाकी हैं। गतिरोध की वजह से अब तक दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा है और कई अहम विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित सदस्यों को आज भी सदन में शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले मंगलवार को 41 और बुधवार को 12 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य शपथ ले चुके हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में आज भी बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में 7 मार्च से ये शामिल है, लेकिन गतिरोध की वजह से इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा में हरिवंश, रूपा गांगुली और आर के सिन्हा समेत विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सांसद सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ बैंकों में कथित अनियमितताओं और उन्हें रोकने में बैंकिंग विनियामकों की विफलता पर अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे। और लोकसभा में भी आज बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा होनी है। 6 मार्च से लोकसभा के एजेंडे में ये शामिल है, लेकिन यहां भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कमियों और इससे जुड़ी कथित अनियमितताओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। साथ ही वो इन अनियमितताओं से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का मुद्दा भी चर्चा के दौरान उठाएंगे। सदन में चर्चा की शुरुआत रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एन के प्रेमचंद्रन करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल समेत विभिन्न दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में आज पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत अन्ना द्रमुक सांसद ए नवनीत कृष्णन करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। चर्चा के आखिर में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती जवाब देंगी। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। राज्यसभा में आज भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा होगी। कल गतिरोध की वजह से इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी। कार्मिक लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभा की प्रवर समिति की ओर से प्रतिवेदित रूप में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है, साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सजा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है। अब न्यूनतम 6 महीने के बजाय 3 साल और अधिकतम 5 साल के बजाय 7 साल सजा होगी। 7 साल की सजा होने पर भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 2 साल की समय सीमा तय करने का भी प्रावधान है। कुर्की का अधिकार जिला अदालत के बजाय सुनवाई अदालत यानी विशेष जज को सुपुर्द करने का भी प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों का जानबूझकर रईसी का दिखावा आपराधिक कदाचार माना जाएगा और बेहिसाब संपत्ति को अवैध रईसी का सबूत समझा जाएगा। और आइए सीधा चलते हैं संसद भवन परिसर, जहां हमारे साथ हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह जुड़े हैं। अरविंद जी, 2 दिन बाकी हैं
कांग्रेस की अगुवाई में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने कल राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की और इन लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग भी रखी और कहा कि विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है ये लोग और चाहे तो सदन की अवधि भी एक दो दिन बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद अब क्या संकेत मिल रहे हैं अब बाकी बचे दो दिनों के लिए? देखिए प्रीति, आपने सही कहा, ये जो है अगर सरकारी कामकाज की बात करेंगे तो आज केवल एक दिन मिला के एक दिन बचा हुआ है क्योंकि कल जो है वो प्राइवेट मेंबर्स डे है। हाँ। तो निजी सदस्यों का दिवस है, उसमें निजी सदस्यों के संकल्प और बाकी मसलों पर चर्चा होती है। तो उम्मीद ये है कि आज संभवतः जो है हाउस स्मूथ चले, क्योंकि कल भी अगर आप देखिए तो चेयर की ओर से लगातार एक कोशिश जारी थी और 11 बार जो है हाउस चला और स्थगित हुआ, तो उनकी ओर से लगातार ये प्रयास था कि जो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक विधायी प्रक्रिया है उनमें खासतौर पर भ्रष्टाचार निवारक संशोधन विधेयक जो है जिसके लिए सरकार 2015 से ही लगातार प्रयास कर रही थी और जिसको सेलेक्ट कमेटी ने काफ़ी गहन मंथन के बाद जो है उसको उस पर जो है अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है काफ़ी पहले, तो कुल मिलाकर के सरकार चाहती है कि ये विधेयक पारित हो और विपक्ष का भी ये कहना है कि नहीं ये भ्रष्टाचार से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इसलिए जो है इसको पारित किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानती हैं कि जो है 23 दिनों का जो ये सत्र है, जो दूसरा चरण जो है बजट सत्र का, उसमें जो है एनडीए के सांसदों ने ये तय किया है कि वो इस अवधि का वेतन नहीं लेंगे क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिस तरह से गरमाए हुए हैं उसको लेकर के जो है हाउस कितना चल पाता है नहीं चल पाता इसके बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष भी अभी ये जबकि जनता की ओर से जो आलोचनात्मक रूप दिख रहा है उसे देखते हुए संभवतः इस बात के लिए वो मानसिक तौर पर तैयार है कि ये चले और ये विधायी प्रक्रिया जो है जिसमें लगातार डिले हो रही है वो पूरी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा में आज स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पारित कराने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1956 को निरस्त करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 का और संशोधन किया जाना है। विधेयक का मकसद इन बैंकों के विलय से संसाधनों का तर्कसंगत इस्तेमाल करना है जिससे लागत में कमी आएगी और बैंक के मुनाफे में इजाफा होगा। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा और उन्हें बेहतर सेवा मिलेगी। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज मोटर यान संशोधन विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 1988 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा की प्रवर समिति ने इस विधेयक की पड़ताल के बाद कई अहम सुझाव दिए हैं। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2,00,000 रुपये का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10,00,000 रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी, साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। इसे नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू किया जाएगा। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली आज चिटफंड संशोधन विधेयक 2018 पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक का मकसद चिटफंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि और अड़चनों को दूर करना है, साथ ही अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। चिट का ड्रॉ कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कम से कम 2 ग्राहकों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। वहीं फोरमैन के कमीशन की अंतिम सीमा अधिकतम 5% से बढ़ाकर 7% करने का भी प्रस्ताव है।
वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2017 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी थी। इसके मुताबिक पूरे देश में फाइनल MBBS परीक्षा एक साथ होगी। इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा और मेडिकल छात्रों के लिए लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। आयुष चिकित्सकों के एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे अब वो एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज 6 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पेश करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 सदन में पेश करेंगे। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मध्यस्थतम और सुलह संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2015 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।